गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने थोड़े से चार पांच और शॉर्ट वीडियो करने की कोशिश करूंगा। ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हैं जो किसी क्वेश्चन के पार्ट थे, इसलिए मैंने उसके सीरियल नंबर चेंज नहीं किए। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आप सबको पता है क्या होता है कि इसमें एक सेंटेंस का भाग अंडरलाइन होता है ना, और फिर आपको पूछा जाता है जो आपका या तो अंडरलाइन होगा या जैसे इसमें बोल्ड किया हुआ है इम्प्रूविंग फ्रॉम, ये बोल्ड किया हुआ है। चलो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये बोल्ड किया हुआ हो, वो अगर गलत हो किसी रूप में, उसमें यूजेज गलत हो, ग्रामर गलत हो, ठीक है ना, उसका सिंटैक्स गलत हो, तो फिर आपने ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो रिप्लेस, उसको रिप्लेस कर दे और सेंटेंस पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए, है ना। तो इसमें ये चीज़ होती है, इसमें और कुछ नहीं होता है, इसमें ग्रामर का प्रयोग है, इसमें आपका वोकैबुलरी का, यूजेज का और सिंटैक्स का। सिंटैक्स का था सेंटेंस की स्ट्रक्चर, कई स्ट्रक्चर सेंटेंस की फिक्स होती हैं। इसमें आपको मैं उदाहरण दूंगा कि देखो ये फिक्स है, इसमें कोई ग्रामर वामर नहीं है, आपको ये यूजेज सीखने पड़ेंगे। एनीवे, इसमें थोड़ा सा ग्रामर का प्रयोग भी है और सिंटैक्स का भी है। मेरे साथ पढ़िए इसको। इम्प्रूविंग फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ न्यू रिक्रूट्स द कंपनी इज प्लानिंग टू डिवोट ग्रेटर रिसोर्सेज टू ट्रेनिंग। अब देखो बच्चों, ये इसमें इम्प्रूविंग फ्रॉम का कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन इसको सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है ना, द कंपनी इज प्लानिंग टू डिवोट ग्रेटर रिसोर्सेज टू ट्रेनिंग, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो है कंपनी जो है ट्रेनिंग में और रिसोर्सेज डालने की कोशिश कर रही है, यानी उसको रिसोर्सेज बढ़ा रही है। तो रिसोर्सेज बढ़ा रही है तो उसका कोई ना कोई एम होना चाहिए। तो एम को बताने के लिए कभी अपन जेरंड का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आप एम बताते हो ना, आपका एम समझते बच्चों कि जो भी आपने एम बताना हो तो शो एम, तो उसके लिए अपन हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको समझा रहा हूँ, आप दिल्ली जा रहे हो, आपके दिल्ली जाने का एम क्या है? टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड। आप मेरे पास में ये वीडियो देख रहे हो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ठीक है। तो जो अपना पर्पज आपने शो करना होता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शो किया जाता है, है ना। तो ये इम्प्रूविंग फ्रॉम की जगह बताना चाहिए ये वाला ऑप्शन, टू इम्प्रूव, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसकी जगह रख के और फिर पूरे सेंटेंस को बोलिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ न्यू रिक्रूट्स। अब बिल्कुल सेंस बन रहा है कि जो नए रिक्रूट्स हैं, जो नए नए भर्ती हुए हैं कंपनी के अंदर, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, इसलिए कंपनी जो है ये योजना बना रही है कि वो ट्रेनिंग में जरूर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए। यहाँ डिवोट का अर्थ लगाना भी है, है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। तो इट शुड बी इम्प्रूविंग फ्रॉम की जगह शुड बी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ न्यू रिक्रूट्स। आई होप कि आपको समझ आ गया बच्चों। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसको पढ़िए। योर प्लान साउंड्स इजी इन थ्योरी बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट पुटिंग इन प्रैक्टिस। ये अजीब सा लग रहा है वैसे, अगर आपको अब इसमें कोई ग्रामर वामर कुछ नहीं बच्चों, ये समझा रहा हूँ आपको, ये यूजेस का मामला है। देखो बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर आपको ये सेंटेंस पढ़ोगे आप, तो आप पढ़ोगे इसको, योर प्लान साउंड्स इजी इन थ्योरी, मतलब एक पार्ट उसका इन थ्योरी में इजी है, बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट पुटिंग इन प्रैक्टिस। नहीं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन पैरेलल होना चाहिए। इसमें एक्चुअली पैरेलल की एरर है, इस सेंटेंस में एरर ऑफ पैरेललिज्म है। मैं आपको समझाता हूँ, वैसे एक दो एग्जाम्पल समझाने वाला नहीं है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर कोई चीज़ इजी इन थ्योरी है लेकिन दूसरी चीज़ें मुश्किल है, तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, जैसे इन थ्योरी है ना, थ्योरी का उल्टा प्रैक्टिस होता है, तो आपको केवल इतना का इस्तेमाल करना चाहिए इन प्रैक्टिस, तो सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा और सेंटेंस पैरेलल भी हो जाएगा। पुटिंग इन प्रैक्टिस डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर आप ये भी लिखते हैं कि बट इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू पुट इन टू प्रैक्टिस, तो उसका सेंस तो बनता है लेकिन वो भी पैरेलल नहीं रहता। पता है आपको, मेरी बात समझे। अगर सेंटेंस का एक पार्ट है बच्चों इन थ्योरी इन प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। इन थ्योरी तो है, तो आप दूसरे सेंटेंस को दूसरे पार्ट में इन प्रैक्टिस डाल दें, और इन थ्योरी का अर्थ हो गया कि वो व्यवहार के रूप में तो आपके इजी है, लेकिन जो उसको अपन क्रियान्वयन करेंगे तो वो मुश्किल होगा। तो सेंटेंस को दूसरे पार्ट में पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा इन प्रैक्टिस। ऑप्शन में आपका ये बी ऑप्शन है,
इसलिए ये ठीक हो जाएगा। अब एक्चुअली इसमें कोई ग्रामर नहीं है, आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सब यूजेस के ऊपर है। और इस तरह के आपने जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। योर प्लान साउंड्स इजी इन थ्योरी बट डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, ऐसे तो बोलोगे आप, वो क्वाइट लगा हुआ है, वो तो एक एडवर्ब है, तो वो उसकी डिग्री बताने के लिए कितना डिफिकल्ट है, चलो इसको हटा भी दो, शायद आपको क्वाइट के कारण क्या पता कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो। अब आपको समझ आएगा, इजी इन थ्योरी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, ये पैरेललिज्म आपको समझ आया है कि नहीं आया बच्चों? बहुत सुंदर है, ध्यान रखना, कई जगह आपके काम आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस के दोनों पार्ट एक जैसे होने चाहिए, इफ इट इज इजी इन थ्योरी तो द अदर पार्ट शुड बी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, पुटिंग इन प्रैक्टिस नहीं, तो इसका आंसर आपका बी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द US इज ऑल टाइम हाइएस्ट, ये जो हाईलाइट किया हुआ है आपका फ्रेज है, ठीक है ना, एक तरह का ये फ्रेज है, यूजेज है, दिस डज नॉट साउंड गुड। अगर आपने कोई चीज़ बताना हो कि कोई चीज़ बहुत हाइएस्ट लेवल पे है, तो उसका एक फ्रेज है ये वाला, एन ऑल टाइम हाई, ये फिक्स फ्रेज है, मैं आपको डिक्शनरी दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको, ठीक है ना बच्चों। और वो इस लेवल पे है तो आपको आगे आपको एट लगाना पड़ेगा, ठीक है, आर एक्सपोर्ट्स आर एट एन ऑल टाइम हाई, तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे ज़्यादा हाई है, एट ऑल टाइम लो भी हो सकता है, एन ऑल टाइम बेस्ट भी हो सकता है, तो ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बिना पढ़े आ नहीं सकती आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक क्षण देखिए, मैं आपको इसका कॉपी करके बताता हूँ एंट्री डिक्शनरी की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको समझनी पड़ती हैं, और ये कई चीज़ें पढ़ने से आती हैं, और पढ़ते पढ़ते आपको ये आ जाता है कि ये हमेशा जो फ्रेज है ये आपका ऑल टाइम हाई है, ये डिक्शनरी एंट्री अगर आपको पता लग रहा हो, ठीक है, ये इसका उच्चारण है, मैं इसको काट रहा हूँ, आगे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं इसको, ये कोलोकेशन देखो, एन ऑल टाइम हाई, लो, बेस्ट, सब इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ ड्राउट द वॉटर इन द लेक हैड रीच्ड एन ऑल टाइम लो, और क्या मीनिंग दिखा रहे बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आज तक इतना पानी का स्तर नीचे नहीं गया, मतलब आज तक का ये सबसे लो लेवल है। अब चूंकि आपने इसमें एक एडिशनल वर्ड लगाना है एट, क्योंकि इस लेवल बताना है, इस लेवल पे है, अब दोबारा पढ़िए इसको, द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द US इज एट एन ऑल टाइम हाई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे गुड्स का और सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ है US से, और वो सबसे ऊंचे लेवल पे है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये छोटी चीज़ें, छोटे छोटे फ्रेजेस आपको ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये आपका फिक्स फ्रेज है जो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, एन ऑल टाइम हाई, और इस लेवल पे है तो उसमें एडिशनल वर्ड आपको ऐड लगाना पड़ेगा, द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द US इज एट एन ऑल टाइम हाई। अगर आपने कहना है द प्राइसेस आर एट ऑ एट एन ऑल टाइम हाई, जिसको मतलब प्राइसेस का जो लेवल है वो आज तक के सबसे ऊंचे लेवल पे है, एंड एट एन ऑल टाइम लो भी कह सकते हो आप, तो इसको मतलब प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम लो, ऑल टाइम लो, तो इसको मतलब इससे ज़्यादा लो कभी हुई नहीं, ये सबसे ज़्यादा है। तो आई होप कि मैं समझा पाया आपको, ये सब चीज़ें बच्चों सीखनी पड़ती हैं। मच ऑफ द मनी अलॉटेड बाई द स्टेट फॉर प्राइमरी एजुकेशन गोज अनस्पेंट, एक तो इसमें आपके सीखने की एक चीज़ है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है, बस इसमें आपके सीखने लिए गो अनस्पेंट ये फ्रेज है, ये इसमें आप सीख सकते हैं टू गो अनस्पेंट, अगर सरकार ने कुछ पैसा दिए हैं तो आपने कहा ये पूरा खर्च करो भाई, यू शुड नॉट गो अनस्पेंट, सॉरी मैंने स्पेंट लिख दिया, यू शुड नॉट गो अनस्पेंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पैसे बचने नहीं चाहिए, पूरे पूरे पैसे खर्च हो जाने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 भाई, कोलाबोरेशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हैज हेल्प एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, एक तो आपने ये सीखने का काम है आपका, कोई भी प्रॉब्लम अगर प्रेसिंग प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका दबाव सब पे पड़ रहा है, ठीक है ना आप, एनीवे दोबारा पढ़िए, कोलाबोरेशन सबको आता है, कोलाबोरेशन करता था सबका साथ, कोलाबोरेशन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स हैज हेल्प एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रॉब्लम द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग, ठीक है, तो सारे लीडरों का साथ के कारण जो आपके संसार की हाल की जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिला है, एड्रेस का मतलब आपका
किसी चीज़ को सॉल्व करना होता है बच्चों, ठीक है, ये भी आपने सीखना है। टू एड्रेस अ प्रॉब्लम, टू एड्रेस अ प्रॉब्लम का अर्थ होता है किसी प्रॉब्लम को डील विद करना, और डील विद का अर्थ होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना आपका। इफ आई से इसका प्रयोग बहुत शानदार है, कि जो भी सीखने की चीज़ होती है बच्चों, अगर आपने नहीं सीखी तो कमज़ोर रह जाएगी। इफ आई से द गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स, तो फार्मर्स की प्रॉब्लम को सरकार हल करने की कोशिश कर रही है। अब इसमें तो ये तो हो गया एड्रेस का प्रयोग, मैं आपको बताया, ठीक है, और कोलैबोरेशन का अर्थ हो गया सारे वर्ल्ड लीडर, जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं सब ने साथ मिलकर संसार के सामने जो हाल ही में जो प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का उन्होंने किया है। अब इसमें एक मैं इसका ग्रामर का भी नहीं कहूँगा, हेल्प का प्रयोग ही बच्चों ये किया होता है, हेल्प का फ्रेज बनता है हेल्प समबडी डू समथिंग होता है, यानी हेल्प के बाद में आपने हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यू कैन ऑल्सो यूज टू, ये सारे यूजेज हैं, दिस नॉट ग्रामर, ये ग्रामर और कुछ नहीं है, ये आपका यूजेज है कि हेल्प का प्रयोग कैसे करोगे आप। अगर मुझे कहना हो कि उसने मेरे को इस काम को समय पे ख़त्म करने में मदद की, तो मैं आपको कहूँगा ही हेल्प मी फिनिश दिस वर्क इन टाइम। और आप भी कभी आपको दिखाई देता है तो आप उसको डिक्शनरी में देखें, आप अगर अकेले हैं, अगर टीचर की मदद नहीं मिल रही है आपको तो आप डिक्शनरी में हेल्प वर्ड को देखें, मैं आपको उसका बताता हूँ। और हेल्प के बाद में आप चाहें तो टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, और बिना इसके भी कर, मैं सने सारे सीधा आपको सने दे रहा हूँ, देखो आप, दिस वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सीखना पड़ता है। एक सेकेंड देखिए आप, डिक्शनरी एंट्री देखिए आप, इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। डिक्शनरी एंट्री जो देखोगे तो आगे लिखा होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू, और टू को ब्रैकेट में डाला हुआ है, ये भी आपने सीखना बच्चों। अगर किसी शब्द को ब्रैकेट में डाला होता है तो उसका अर्थ होता है कि यहाँ पर आप चाहें तो टू लगा लें या उसको छोड़ दें। अब सेंटेंस पढ़िए आपका, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 10,000 pound लोन फ्रॉम द बैंक हेल्प हर। अब ये टू जो ब्रैकेट में दे रखा है ये ऑप्शनल है, आप ये भी कह सकते हो कि दिस 10,000 pound लोन फ्रॉम द बैंक हेल्प हर स्टार्ट हर ओन बिजनेस, यानी 10,000 का जो लोन उसको बैंक से मिला उससे उसको अपना बिजनेस शुरू करने में मदद मिली, और आप चाहो तो हेल्प हर टू स्टार्ट भी कह सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ गया भाई, ये प्रयोग है बच्चों, ये यूजेज हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ में ग्रामर नहीं होती है, ये एक यूजेज का एक पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ये हो सकता था हैज़ हेल्प एड्रेस, हैज़ हेल्प एड्रेस, चूँकि ये वाला ऑप्शन है नहीं तो इसमें ये दिया हुआ है हेल्प के बाद में एड्रेस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन कहीं नहीं है। आना क्या चाहिए था, हेल्प के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मैंने बताया ना आपको, ये देखो लिखा हेल्प समबडी डू समथिंग, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, या इसके आगे आप टू भी लगा सकते हो, हैज़ हेल्प टू एड्रेस, अभी ऑप्शन तो है नहीं, ये तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर क्या ऑप्शन आएगा आपका, कैन हेल्प एड्रेस, ठीक है ना। तो आप सेंटेंस को पढ़िए इसको लगा के, कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हैज़ हेल्प की जगह कैन हेल्प एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि संसार के सामने जो अभी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो वर्ल्ड लीडर के कोलैबोरेशन से, उनके सहयोग से उनकी हेल्प लेके इन प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो मेजर पॉइंट है बच्चों वो हेल्प का प्रयोग है। तो आपने हेल्प के सेंटेंस बनाने हैं, उनको बोलिए, और मैंने आपको डिक्शनरी में एंट्री बता दी है, हेल्प समबडी डू भी हो सकता है एंड हेल्प समबडी टू डू भी हो सकता है। अगर आपने ये कहना हो कि उसने मेरे को फ्रेंच सीखने में मदद की तो मैं कहूँगा ही हेल्प मी, ऐसे प्रयोग करो, ही हेल्प मी लर्न फ्रेंच। और दूसरा क्या कर सकते हो आप, लर्न के साथ में आप लर्न से पहले टू भी लगा सकते हो, ये भी कह सकते हो ही हेल्प मी टू लर्न फ्रेंच, दोनों आपके करेक्ट माने जाएंगे, ठीक है। और इसी का उसमें प्रयोग था। तो एक पांचे क्वेश्चन थे, छोटा सा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, पहली बार 15 मिनट से नीचे का मैंने वीडियो बनाया और मैं चाहता हूँ 15 मिनट के अंदर अंदर ये रहे। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल में नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो आपका उसमें आते रहेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।